दोस्तों, मैं बलराम धनगर कमांडो आज बताऊंगा आपको महिलाओं का मेडिकल किस प्रकार होता है। पुलिस हो चाहे सीआरपीएफ हो, एसएससी हो या आर्मी हो, किस प्रकार से आपको मेडिकल में चेक किया जाता है उसके बारे में डिटेल में जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। हमारे पास एक सपना है जो अभी एसएससी का मेडिकल क्लियर करके आई है, तो इसको पूरा अनुभव है मेडिकल किस प्रकार से होता है। जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से इसका मेडिकल हुआ था और उसमें इसने मेडिकल में काफी अच्छे मार्क्स लिए और क्लियर करके आई। तो अभी आप मैं बताऊंगा किस प्रकार से होगा पुलिस में, एसएससी में, आर्मी में मेडिकल महिलाओं का। अभी इस प्रकार से सबसे पहले आपको ऊपर से हाइट और वेट, आपका हाइट और वेट सबसे पहले मापा जाता है। हाइट की बात करें, अगर आप एसएससी या आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी हाइट 157 होना चाहिए, या अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस के लिए आपकी हाइट 155 होना चाहिए। बात करते हैं उसके बाद में वेट की, आपका वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओवर वेट मतलब बोलते हैं नीचे में चल जाएगा, लेकिन ओवर वेट अगर आपका 157 हाइट है तो आपका वजन 157 के लगभग होना चाहिए, उससे अबो होगा तो आपको मेडिकल में पॉइंट दिया जाएगा, चाहे पुलिस हो, चाहे आपकी आर्मी की हो, चाहे एसएससी की हो। तो उसके बाद आते हैं अपन, सबसे पहले आंखों का देखते हैं। आंखें आपकी 6x6 आंखें होना चाहिए। 6x6 के बाद में आपके आंखों में कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आते हैं अपन कानों में, कान के अंदर आपका पर्दा फटा हुआ नहीं होना चाहिए। कान की सफाई बेहतर तरीके से डॉक्टर से आप करवा लीजिए अगर आप मेडिकल देने जा रहे हैं। और आ जाते हैं अपन नाक के ऊपर, नाक में अभी आपकी क्या है, नाक की जो हड्डी होती है वो आपकी एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, उसके अंदर कोई इंफेक्शन नहीं होना चाहिए, और नाक की सफाई भी आप जाने से पहले करवा लीजिए। उसके बाद में आते हैं अपन दांतों के ऊपर, दांत आपके क्या है, दांत किस प्रकार से होना चाहिए। आपके दांत अगर टूटे हुए हैं और अगर आपने कुछ दांत बिठा रखे तो भी चल जाएगा, एक दो दांत के लिए अलाउ है। अगर आपके दांतों में कीड़ा है तो उस कीड़े को भी आप मसाला डलवा सकते हैं, अगर आपकी दांत खराब हो रहा है तो उसमें मसाला डाल के आपका चल जाएगा, चाहे वो पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एसएससी की भर्ती हो जिसमें बीएसएफ और सीआरपीएफ आ जाती है। उसके बाद में आते अपन हाथों के ऊपर, आते हाथ आपके कैसे होना चाहिए, हाथों का देख लीजिए, दोनों हाथ ऊपर उठा, दोनों हाथों के बीच का गैप देख रहे हैं आप, बीच का गैप, दोनों हाथों के बीच में गैप होना चाहिए, कोहनी के बीच में। उसके बाद में आते हैं अपन फिंगर के ऊपर, फिंगर में क्या है, आपकी फिंगर्स एक्यूरेट होना चाहिए, जितनी फिंगर्स आपके हाथ में है उतनी प्रॉपर होना चाहिए, जैसे आपकी 10 फिंगर है 10 फिंगर प्रॉपर होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, किसी की उंगली ऐसे टेढ़ी होती है इस प्रकार से, एक अगर ये टेढ़ी है, मान लो ये है मेरा फिंगर है, फिंगर में ये उंगली अगर ऐसे इस प्रकार से टेढ़ी है ये नहीं चलेगा, सीधी करने से सीधी नहीं होती है, वापस वही चली जाती है, तो वो क्या है, आपका मेडिकल में आपको पॉइंट मिलेगा, आप अनफिट है मेडिकल के लिए। उसके बाद में आपकी प्रॉपर उंगलियां हो गई। अब आ जाते हैं अपन, कटी पिटी नहीं होनी चाहिए, उंगली पूरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके आगे से इतना कट रहा है, अगर इतना भी भाग कट रहा है तो वो नहीं चलेगा। उसके बाद में आते हैं अपन टैटू के लिए, टैटू तो पुलिस में चल जाता है, लेकिन आपका एसएससी या आर्मी की आप भर्ती देने जा रहे हैं तो आप अगर आपके हाथों में टैटू है तो आप निकाल लीजिए, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। के बाद में आते हैं अपन टांगों में, टांगे किस प्रकार से होती है, टांगों के बीच का गैप आप देख लीजिए, टांगों के बीच का गैप कितना होना चाहिए, इस प्रकार से आपके टांगों के बीच में गैप होना चाहिए अगर आप आर्मी भर्ती के लिए जा रहे हैं, एसएससी जीडी भर्ती के लिए जा रहे हैं, और अगर आप पुलिस की भर्ती के लिए जा रहे हैं अगर आपके टांगों में गैप नहीं है तो चल जाएगा, उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आते हैं फ्लैट पे, फ्लैट फुट होता है जो महिलाओं में बहुत कम देखा जाता है, फ्लैट फुट की कोई ये नहीं होती है, जैसे जेंट्स के लिए फ्लैट फुट बहुत जरूरी होता है, उनको आउट कर दिया जाता है, महिलाओं के लिए फ्लैट फुट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस प्रकार से मैंने बता दिया आपको किस प्रकार से महिलाओं का मेडिकल होता है, पुलिस में या एसएससी में या आर्मी में, सारी मेडिकल की जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जय हिंद जय भारत दोस्तों।